पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अग्निशमन विभाग द्वारा समाज में जागरूकता फैलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाए और कोई भी आपदा आती है तो उस समय शहर वासियों को क्या करना चाहिए, ऐसी कई बातें शिविर लगाकर बताई जा रही हैं। मुरादाबाद शहर के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में अग्निशमन विभाग द्वारा एक शिविर का आयोजन कराया गया। इस शिविर के माध्यम से सभी होटल कर्मियों को अग्निशमन वाहन प्रबंधक की जानकारी विस्तार पूर्व दी गई, साथ ही उनको ये भी बताया गया कि यदि कोई भी समस्या आती है तो उसे कैसे समाधान करना है और होटल में आग लग जाने के समय किन चीजों का प्रयोग करना है, ऐसी कई बातें एक शिविर के माध्यम से अग्निशमन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी होटल कर्मियों को बताए गए। बुधवार को शिविर का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शिविर में भाग लेने वाले सभी होटल कर्मियों को विभाग द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से रिजवान, दानिश, ज्ञान प्रकाश, संदीप, मुकेश तिवारी, विक्की शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। पाठक है कि हमारे एक एनजीओ के थ्रू हमारा जो है जो होम वर्कर्स होते हैं ना, जैसे गांव देहातों में जो लेबर्स काम करती है उनको हाइजीन, हेल्थ एंड सेफ्टी और आपके फायर सेफ्टी, इस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे स्कीम चल रही थी जो पिछले एक साल से चल रही थी, उसी का आज समापन समारोह है। उसी के उपलक्ष में हमारी एक ये मीटिंग्स का आयोजन किया गया। ऐसी है जो वर्कर अवेयरनेस नहीं है, जिन वर्करों को ये जानकारी नहीं कि हाइजीन से उनके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उनके जीवन में क्या चीज़ें हम अच्छा कर सकते हैं, उस ट्रेनिंग पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा इन फ्यूचर भी चलता रहेगा। हम लोग अच्छे से अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे वर्करों को। वर्कर को मैसेज यही देंगे कि जो जैसा हम लोग बता रहे हैं वो चीज़ें सीख रहे हैं और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। हम लोग एज ए ट्रेनर हैं, हम लोग उनको बताते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं इस चीज़ को और हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़।